हेलो गाइस, मेरा नाम है अवान रसूल और आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग मूवी के साथ जिसका नाम है टॉप गन मैवरिक। जी हाँ, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो एक मूवी आई थी टॉप गन, उसी का ये सीक्वल है टॉप गन मैवरिक। और इस मूवी में जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं वो है टॉम क्रूज। हाँ जी, उन्हें आप हॉलीवुड का अनिल कपूर भी कह सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र घटती नजर आती ही नहीं। पर चलिए, इस मजाक को साइड रखते हुए अपना ये ट्रेलर हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी ट्रेलर में हमें क्या, इस मूवी में कितना एक्शन, कितना ड्रामा, क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। Top Gun Maverick. I think shit came 30 plus years of service. Fighting game? Combat medals. Citations. Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Narration voice bhi achhi hai. Thodi alag. You can get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? देखिए, वैसे के वैसे ही हैं ये। झुर्रियां भी बहुत मुश्किल से पता चलती है इनके चेहरे पे। गाइस, कभी सोचा उसके अंदर बैठ के कितना लगता होगा? बॉडी देखिए उनकी। टॉम क्रूज, वो सीन अच्छा था। The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. Not today. Top Gun Maverick. Summer 2020. Oh. Bahut dur hai. Guys, इस ट्रेलर को देख के अगर आपको ज्यादा मजा नहीं आया, ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं लगी, तो आपकी गलती नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी इस ट्रेलर को अगर पहली बार देखता है, कोई भी देखेगा पहली बार, तो उसे इतना मजा नहीं आएगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आप पहले की मूवीज आपने नहीं देखी। अगर आप इस मूवी का पहला पार्ट जो कि है टॉप गन, उसे आप देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कहानी क्या है और ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है। इसलिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जब ये मूवी रिलीज हो उससे पहले ही आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए और उसके बाद ही इस मूवी को देखिएगा। हूबहू एवेंजर्स में भी ऐसा ही कहानी थी। आपको एंड गेम समझने के लिए आपको बाकी एवेंजर्स मूवी देखनी बहुत जरूरी थी, उसी तरह आपको टॉप गन मैवरिक समझने के लिए टॉप गन देखनी बहुत ही जरूरी है। और तो और, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं टॉम क्रूज जो बूढ़े होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इसलिए वो आज तक लीड रोल में आते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि बहुत सालों तक लीड रोल में आते रहे हैं, पर टॉम क्रूज की बात ही अलग है। वो अभी भी एक अच्छे जवान एक्टर की तरह दिखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और पता नहीं वो कब तक मिशन इम्पॉसिबल के लीड रोल में आते रहेंगे, टॉप गन के लीड रोल में आते रहेंगे, ये तो फ्यूचर की बात है। अनिल कपूर, इसीलिए मैंने कहा शुरू में कि उन्हें आप हॉलीवुड का अनिल कपूर कह सकते हैं, वो भी बूढ़े होने का नाम नहीं लेते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और थोड़ा वेट कर लेते हैं, एक्चुअली में बहुत वेट कर लेते हैं, क्योंकि समर
2020 में आ रहा है, कह सकते हैं अगले साल, तो बहुत वेट करने की जरूरत है? तो मुझे लगता है ये वेट करना थोड़ा जायज है, जैसे कि ये मूवी है, इसका जो लेगेसी रही है बहुत ही अच्छी मूवी है। तो आप लोगों को ये मूवी देखने के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर देखिएगा जब भी ये मूवी आएगी। तब तक के लिए आपसे अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।